आप सभी लोगों का स्वागत है। साथियों, सातवें चरण से संबंधित जो भी जानकारी आज के पेपर के माध्यम से आई हुई है उसको हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। और दूसरी बात है साथियों कि बीपीएससी से शिक्षक बहाली का काम आखिर कहां तक पहुंचा है उसको भी हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। और सबसे अहम जानकारी साथियों बता दें कि आज के पेपर के माध्यम से खबर आ रही है प्रारंभिक में यानी 1 to 8 में 1 लाख पद आने की संभावना है। दूसरी बात है साथियों कि उच्च माध्यमिक माध्यमिक के बारे में बताया गया है 1.22 लाख पद आने की संभावना है। हालांकि साथियों यह भी बताया गया है कि सारा कैलकुलेशन के बाद ही आखिर पता चलेगा कि अंतिम में कितनी रिक्तियां आनी है, लेकिन प्रारंभिक में 1 लाख, माध्यमिक में 1.22 लाख की संभावनाएं आज के पेपर के माध्यम से जताई गई है। आइए साथियों वीडियो को शुरू करते हैं। साथियों यहां पर देख सकते हैं यह दैनिक भास्कर का खबर है, मुजफ्फरपुर जिला का आज ही का यह खबर है। साथियों आप देख सकते हैं शिक्षक नियुक्ति, खाली पदों के कंपाइलेशन के लिए रविवार को भी खुला रहा शिक्षा विभाग। यानी कि कल जो है साथियों रविवार था, लेकिन खाली पद का जो जो कैलकुलेशन है वो सब करने के लिए शिक्षा विभाग खुला रहा था कल भी। आगे देखिए साथियों आप देख सकते हैं 2.22 लाख शिक्षकों की होगी भर्ती, जिले ने भेजी रिक्तियां। आगे देखिए साथियों, राज्य में नए शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया तेज हो गई है। शिक्षा विभाग को सभी जिलों से शिक्षकों के रिक्त पदों का ब्यौरा मिल गया है। आंकड़ों के कंपाइलेशन के लिए ही शिक्षा विभाग रविवार को खुला रहा। ऐसा इसलिए कि रिक्तियां हासिल करने की 20 अप्रैल की आखिरी तारीख तक 31 जिलों की जानकारी विभाग को हासिल हुई थी, बांका सहित 7 जिलों की जानकारी नहीं भेजी गई थी। हालांकि साथियों आपको बता दें कि पिछले ही दिनों मैंने बताया था कि 7 जिलों की रिक्तियां नहीं पहुंची थी और इन्हीं कारण उनको जो है कारण बताओ नोटिस भेजा गया था और 24 घंटे के अंदर रिक्ति जमा करने का आदेश दिया गया था। तो जब रिक्ति गणना हुई, जमा हुई इन 7 जिलों की, तब जो है रविवार को भी जो है विभाग खुला रहा। रविवार को इन सभी जिलों की भी रिक्तियां आ गई। इस हिसाब से माध्यमिक विद्यालय में लगभग 1.22 लाख और प्रारंभिक में यहां देख सकते हैं साथियों 1 लाख शिक्षकों के खाली पद बताए गए हैं। आगे है साथियों, रिक्तियों के फाइनल कंपाइलेशन के बाद ही सटीक आकलन होगा कि कुल कितने पदों पर बहाली होगी। आगे साथियों बात करें कि खाली पदों के कंपाइलेशन के बाद 5 और स्टेप बाकी है। देखिए क्या क्या बाकी है। रिक्त पदों की प्रशासी पदवर्ग समिति से कर स्वीकृति ली जाएगी, फिर शिक्षकों के रिक्त पदों की मंजूरी के लिए प्रस्ताव कैबिनेट जाएगा, कैबिनेट के बाद जिला स्तर पर आरक्षण का रोस्टर क्लियर होगा। इसके बाद चौथा है रोस्टर क्लियरेंस के बाद बीपीएससी जाएगा जो वैकेंसी निकालेगा, वस्तुनिष्ठ परीक्षा होगी, इसके आधार पर शिक्षकों का चयन होगा। यानी कि शिक्षकों के चयन में 5 स्टेप बाकी है साथियों, ये स्टेप ये है आप देख सकते हैं। आगे है 10 अप्रैल को नई नियमावली अधिसूचना, 10 अप्रैल को विद्यालय अध्यापक नियुक्ति नई नियमावली को जो है कैबिनेट ने मंजूरी दी, उसी के बाद अधिसूचना जारी कर दी गई, शिक्षक राजकर्मी के रूप में बहाल होंगे। आपको पता ही है साथियों कि नियमावली 2023 में कहा गया है कि अब जो भी शिक्षक बहाल होंगे वह राजकर्मी होंगे। 21 को बीपीएससी और शिक्षा विभाग में बैठक हो चुकी है। हालांकि आपको पता है साथियों कि बीपीएससी के ही माध्यम से परीक्षा होगी, तो कहा गया है कि बीपीएससी से जिला स्तर के शिक्षकों के नियुक्ति से जुड़े मामले पर 21 अप्रैल को शिक्षा विभाग और बीपीएससी के अधिकारियों के बीच बैठक हुई। माना जा रहा है कि सभी प्रक्रियाएं पूरी कर ली गई तो 1.5 माह के अंदर वैकेंसी जारी हो जाएगी। आगे साथियों खबर है रिक्ति के बारे में मुजफ्फरपुर जिला का, उसको मैं दिखाता हूं। आगे जो साथियों मुजफ्फरपुर जिला से ही खबर है कि आखिर मुजफ्फरपुर जिला में कितनी रिक्ति है आप देख सकते हैं। निदेशालय को भेजी गई रिक्ति, नई नियमावली के तहत नियुक्ति की तैयारी। सातवें चरण के नियोजन में 1 से 12वीं तक में होगी 7154 शिक्षकों की नियुक्ति। ये मुजफ्फरपुर जिला की बात है साथियों कि मुजफ्फरपुर जिला में 1 से 12वीं में 7154 पदों पर नियुक्ति होगी। हालांकि साथियों ये जो दिया हुआ है किसमें कितना पद है इसी का यहाँ पर जिक्र किया गया है, तो मैं इसको आपको बता देता हूँ। यहाँ देखिए साथियों वर्ग 1 to 5 में कितनी रिक्ति है मुजफ्फरपुर जिला में। सामान्य विषय में 17,860 पद है, जिसमें से तैनात है कितने 14,457। खाली की बात करें सामान्य विषय 1 to 5 में तो 3,403 पद, उर्दू में 437 पद और बंगला में एक भी पद खाली नहीं है। तो लगभग आप जोड़िएगा तो 34,438 लगभग 4,000 के आसपास 1 to 5 में पद हैं। वहीं 6 to 8 की बात करें साथियों आप देख सकते हैं हिंदी में 154 रिक्ति हैं, हालांकि पद और तैनात शिक्षक आप देख सकते हैं। उर्दू में 86 पद रिक्त हैं, संस्कृत में 115, अंग्रेजी में काफ़ी कम है साथियों 54 पद ही हैं। गणित और विज्ञान में अच्छे खासे पद हैं 1001 पद हैं, सामाजिक विज्ञान में 1147 पद हैं।
तो लगभग साथियों यहाँ पर आप देखेंगे तो लगभग 4,000 यहाँ पर और एक पाँच एक छः छः 6,500 के आसपास यही पर रिक्ति हो जाती है साथियों। और यहाँ पर आप कुल रिक्ति देखेंगे तो यहाँ पर माध्यमिक उच्च माध्यमिक की रिक्ति दी गई है 9 से 10th में और 11 से 12th में। तो हालांकि इस दोनों की रिक्ति कम है। यहाँ पर देखिए साथियों 270 मात्र मुजफ्फरपुर जिला में रिक्त पद बताए हैं 9 से 10th में और 11 12th में मात्र 497 बताए गए हैं। और कितना कितना क्या है आप देख सकते हैं साथियों। तो कहीं ना कहीं 1 to 5 और 6 to 8 में रिक्ति ज़्यादा है 11 12th की 9 10th की तुलना में। हालांकि साथियों यह बता दें कि अब ये अंतिम तो तब पता चलेगा जब एडवर्टाइजमेंट आएगा कि आखिर रिक्ति कितनी दी गई है। हम लोग तो लगातार मांग किए थे कि जो छठे चरण की बची हुई सीट है उसको तोड़ा जाए, उसको समान और फिर से जो है उसको बराबर किया जाए। अब देखिए साथियों आगे क्या होता है, लेकिन हम लोग यही अनुमान लगाते हैं कि प्रारंभिक में कम से कम 1 लाख जो है वैकेंसी है और माध्यमिक में भी अच्छी खासी वैकेंसी है, ताकि बहुत सारे लोग सीटेट बीटेट स्टेट अभ्यर्थी कॉमन है। अगर माध्यमिक उच्च माध्यमिक में भी ज़्यादा सीट आए तो जितने भी अभ्यर्थी माध्यमिक उच्च माध्यमिक वाले सीटेट बीटेट पास हैं तो वे लोग उधर शिफ्ट कर जाएंगे, तो इधर कम मेरिट वाले का होगा। और बीपीएससी से एग्जाम होना है साथियों, तो ये कहीं ना कहीं दर्शाती है कि एग्जाम का लेवल भी अच्छा होगा, तो आप सब तैयारी में भी लग जाए।